झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में बणी मोहल्ले में बकरा बेचने के मामले में दो युवकों में विवाद हो गया। एक युवक करीब 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिस ने जैसे तैसे उसे उतार कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कस्बे के बिरजू नायक ने अपना बकरा बेचने के लिए नायब कसाई के साथ मोल भाव किया था। अगले दिन रुपये देकर बकरा सुपुर्द करने की बात तय हो गई थी। अगले दिन नायब बकरा लेकर जाता, उससे पहले ही कोई दूसरा व्यापारी ज़्यादा रुपए नगद देकर बकरा खरीद कर ले आया। नवाब बकरा लेने गया तो उसे पता चला बिरजू अपना बकरा बेच चुका है। इस पर नवाब में तैश में आकर बिरजू के साथ झगड़ा कर लिया। शराब के नशे में बिरजू गुस्से में हो गया और न्याय मांगने के लिए टंकी पर चढ़ गया। करीब 70 फीट ऊंची टंकी पर चढ़कर हो हल्ला करने लगा तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। ASI सुरेश कुमार, SC ताराचंद आदि मौके पर पहुंचे। उसने टेलीफोन पर बात की तो उसने नवाब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। पुलिस वाले नवाब को अपने घर से पकड़कर लाए व उसको दिखाकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया तथा उसके वापस नीचे उतरने का आग्रह किया। जब जाकर बिरजू वापस नीचे आया, पुलिस ने दोनों को थाने लाकर बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक नौटंकी चलती रही।